नमस्कार दर्शकों, सृजन के पथ नामक इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। लोक कला से संबंधित चर्चा करते हुए लोक कला के बदलते स्वरूप पर दृष्टि डालना समीचीन होगा। लोक कला अपने उद्गम के साथ ही धीरे धीरे विकसित होकर परिमार्जित शैलियों के रूप में व आधुनिक कला को किस प्रकार प्रभावित करती रही है, इसका विवेचन प्रस्तुत है। लोक कला शैली नागर शैलियों या एक शैली के रूप में किस तरह परिमार्जित रूप को प्राप्त करती है, उसके कारणों पर दृष्टि डालें तो ज्ञात होगा कि सृजन प्रक्रिया के दौरान व्यक्तिपरक चेतना जागृत होने लगती है और कलाकार उस चेतना के द्वारा कुछ नए प्रयोग करने लगता है जो उसे समूह या समुदाय की प्रस्तुति से अलग करने लगते हैं और वह अपने कार्य को रीतिबद्ध करने लगता है। प्रस्तुत चित्र शेखावटी क्षेत्र की हवेली के बाहर बना चित्र है। यह बतलाता है कि किस तरह नगर वासियों ने इस कला को स्वीकार करके अपनी हवेलियों और अट्टालिकाओं को सजने व संवारने के लिए चित्रकला का प्रयोग किया। यहाँ मुल्कराज आनंद की वह बात जो कही गई है कि आर्ट के प्रदर्शन के लिए आर्ट गैलरी की क्या ज़रूरत है, ग्राम्य जीवन व नगर सभ्यताओं में सभी तरफ आर्ट गैलरीज खुली हैं। इस तरह के सिटीस्केप्स शेखावाटी क्षेत्र में दृष्टिगोचर होते हैं, जहाँ यह लोक कला इस रूप में विकसित हुई कि वह सुंदर अलंकरण शुभ व मंगल कामना के रूप के साथ ही विकसित होती रही। अनेक रूपाकार खोजे गए, उन रूपाकारों में व्यक्तिपरक चेतना की प्रस्तुति होती रही। सीताकांत महापात्र लोक कला में तीन बातों का होना आवश्यक मानते हैं, जिसमें जीवंतता, प्रामाणिकता और अनामिता। अनामिता का मतलब है कि कलाकार का नाम या उसकी चेतना व्यक्तिगत मौलिकता की प्रस्तुति नहीं होती, किंतु यह अवश्य ही मानना पड़ेगा कि शेखावाटी में प्रस्तुत ये चित्र सौंदर्य भावना के साथ साथ कलाकार की व्यक्तिगत रुचियों को भी बताते हैं और उस परंपरा को विकसित होते बताते हैं जिसमें कलाकार अपनी शैली को परिमार्जित कर रहा था, रूपाकारों को व्यवस्थित कर रहा था, रंगों की एक व्यवस्था को प्रस्तुत कर रहा था जो कला के गुणों व संयोजन के तत्वों को बताती हैं। ये सभी चित्र शुभ व मंगल कामना से प्रेरित होकर बनाए गए। यह एक ऐश्वर्य का प्रतीक थे तो किसी संस्कृति का परिचायक भी। जहाँ लोक संस्कृति हृदय से प्रेरित होकर कला की सृजना कर रही थी, वहीं यह नगर सभ्यताएं मानसिक सूझबूझ व कला में नए प्रयोगों को जन्म दे रही थी। इसी कारण ये चित्र अपनी रीतिबद्ध शैली के कारण पहचाने जाते हैं और लोक कला के सर्वमान्य व सामूहिक गुणों को छोड़ते हुए एक ऐसे गुणों की ओर इंगित करते हैं जहां कलाकार कहीं अपनी सौंदर्य भावना को प्रकट कर रहा था। इन्हीं लोक शैलियों से राजस्थानी शैली का उद्गम माना जाता है। कुमारस्वामी ने स्पष्ट लिखा है और प्रमाणित किया है कि राजपूत शैली या राजस्थानी शैली लोक कला शैली का ही परिमार्जित रूप है। यह सर्वविदित है कि लोक कलाएँ लोक जीवन में व्याप्त रहती हैं। उसी लोक जीवन की सामूहिक चेतना को जब कुछ कलाकार अपनी व्यक्तिगत चेतना और प्रयोगों के द्वारा सृजन का आनंद उठाते हुए प्रयोग करने लगते हैं तो वह एक रीतिबद्ध शैली बन जाती है। जिस तरह यह राजपूत शैली में सपाट रंग, ज्यामितीय विभाजन, आकारों का रूप विन्यास, आँखों का कटीलापन या उनकी तीव्र अभिव्यक्ति लोक कला शैली से ही प्रेरित मानी जा सकती है। मेवाड़ शैली के प्रारंभिक चित्र सदैव से लोक शैली के तत्वों को प्रकट करते रहे हैं, किंतु अपने परिमार्जित और अभिव्यंजनावादी स्वरूप के कारण ये शैली लोक शैली से अधिक उन्नत प्रतीत होती है। 18वीं शताब्दी का यह चित्र अपने पूर्ण विकसित अवस्था में राजस्थानी शैली को प्रस्तुत करता है। भूमि, जल, आकाश तीनों तत्वों को एक ही लघु चित्र में बनाकर कलाकार अपनी कल्पनाओं की
उड़ान भर रहा था, तो साथ ही उस आख्यान को, उस कथा को भी प्रस्तुत कर रहा था जो इसमें अपनी फॉर्मलाइज हुई थी या रूपायित हुई थी। एक नई समस्या, कथानकों को रूप योजनाओं में बदलना या ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी आइडिया का या विचार का एक बड़ी समस्या थी, जो इस तरह विकसित हुई कि वह लोक शैली से उन्नत शैली की ओर चलते हुए कथानकों, व्यक्तिगत आकांक्षाओं, सौंदर्य प्रेम व कला के सृजन के आनंद के रूप में मुखरित होती रही। मेवाड़ शैली के ये चित्र अपनी उन्नत अवस्था में सपाट रंग योजनाओं के साथ, उत्तम संयोजनों के साथ प्रस्तुत होते रहे और साथ ही जनमानस के करीब भी रहे, क्योंकि उनकी विषय वस्तु भक्ति संप्रदाय से प्रेरित हो प्रस्तुत हो रही थी। 14वीं शताब्दी के अंत का यह चित्र लोक शैली के अधिक निकट प्रतीत होता है, जिसमें आँखों की अभिव्यक्ति व आकारों का विकृतीकरण, ज्यामितीय आकारों का संयोजन इस तरह प्रस्तुत किया गया है कि यह शैली कहीं विकास की संभावनाओं को दर्शाती है। सभी शैलियाँ अनेक संभावनाओं को, अनेक प्रयोगों को व प्रयोगधर्मी कलाकारों के अंतः मन की अभिव्यक्ति रही, भले ही वह किसी कथानक से जुड़ी रही। कला कभी भी कथानक पर आश्रित नहीं होती, बल्कि कथानक उस रूप में अभिव्यक्त होकर स्वयं को संपूर्ण मान सकता है या अर्थसार को अभिव्यक्त कर सकता है। आधुनिक युग में लोक कला से प्रेरित होकर अनेक कलाकारों ने अपने अंतर्मन की अभिव्यक्ति करने की चेष्टा की, जिसमें सर्वप्रथम नाम आता है यामिनी राय का। यामिनी राय ने 1930 के दशक में ही ये जान लिया था कि बंगाल के पटचित्र अपनी अभिव्यक्ति, अपनी ऊर्जा में बहुत सुंदर और प्रभावशाली हैं। आधुनिक कला की धाराओं के बीच लोक कला की यह देशज परंपरा की पहचान यामिनी राय ने आधुनिक समाज के समक्ष प्रस्तुत की। रेखाओं व रंगों के संयोजनों को यामिनी राय ने प्रस्तुत किया। यह शैली यामिनी राय की मौलिक शैली न होकर वह लोक शैली थी जो वहाँ प्रचलित थी। यामिनी राय ने इन शैलियों को अपनाकर इस तरह अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत की कि वह भारत की ही पहचान नहीं बनी, बल्कि भारतीय कला की रेखात्मकता व रंगों के संयोजन ने विश्व में एक पहचान रखी। अपनी अभिव्यक्ति में अभिव्यंजनावाद से निकट का संबंध न होते हुए भी यह कृतियाँ रेखीय योजनाओं व रूप विन्यास के दृष्टि से अतुलनीय हैं। कालीघाट के चित्र अपने आप में अभिव्यक्ति व सौंदर्य से परिपूर्ण थे। एक अन्य अर्थ यह भी लगाया जा सकता है कि देशज परंपरा के साथ ही भारतीय विषय चुनना उस समय भारतीय कलाकारों की आवश्यकता भी थी और इच्छा भी। इसी तरह के अनेक रेखांकन यामिनी राय ने किए और इन रेखांकनों में लोक शैली की ऊर्जा को, रेखीय गति को प्रयोग में लाया गया और नए प्रयोग किए गए। प्रस्तुत चित्र बिल्ली की फॉर्म का है, जो रूपों में किस तरह विश्लेषण के द्वारा सरलीकृत रूप सामने आते हैं और वह अभिव्यंजना में किस तरह और कलाकारों से अलग हो जाता है। एक और प्रवृत्ति जन्म ले रही थी अन्य कलाकारों से स्वयं के रूप विन्यास में पृथकता की। तो कहीं कुछ कलाकार इस पृथकता की खोज में ही लोक कलाओं से प्रभावित हुए, तो कुछ घनवाद से, तो कुछ अति यथार्थवाद से। लोक शैली का यह सुंदर अंकन यामिनी राय का चित्र है, माता और शिशु का, जिसमें लयात्मक व प्रवाही रेखाओं से रूप योजना को प्रस्तुत किया गया है। रेखीय गति व सपाट रंग इस चित्र की प्रमुख विशेषता है। श्री निवासलु का यह चित्र भी उसी लोक कला से प्रभावित है, जिसमें आकृतियों को विकृति जनित बनाकर या अति यथार्थवादी रूप देने की चेष्टा कहीं ना कहीं दिखाई देती है, साथ ही कथानक को प्रस्तुत करने का अलग तरीका। जॉर्ज कीट एक कलाकार हुए हैं जिन्होंने भारतीय विषयों को, भारतीय
रेखीय गतियों को व रूपाकारों को अपने चित्रों में प्रस्तुत किया। जॉर्ज कीट की ही यह कृतियां लोक शैली के अनगढ़पन, संवेदनाओं के प्रबल सशक्त अभिव्यंजनावादी स्वरूप को प्रस्तुत करती हैं व रूप विन्यास के अनेक तत्वों को प्रस्तुत करती हैं। आलमकर की यह कृति उसी रेखीय गति लघु शैली के कुछ तत्वों को लिए है, जिसमें भारतीय विषय ही नहीं बल्कि भारतीय चित्र शैली को भी प्रस्तुत किया गया। एक तरफ यह प्रयास था यथार्थवादी शैली में चित्र बनाने का, प्रभाववादियों द्वारा रंग योजनाओं के आधार पर चित्र बनाने का, तो दूसरी ओर रेखीय गति व भारतीय कला को विश्व में पहचान दिलाई जा रही थी। भारतीय कला की ऊर्जा को प्रस्तुत करने का महनीय कार्य किया पन्नीकर ने। प्रस्तुत चित्र पन्नीकर की तांत्रिक शैली का एक परिचायक है। लोक शैली में भी तांत्रिक अभिप्रायों की कमी न थी, क्योंकि वह हृदय से प्रस्तुत हुए रूपाकार थे, अभिप्राय थे। उन्हीं अभिप्रायों को तांत्रिक रूप और रेखीय योजनाओं में अनेक कलाकारों ने प्रस्तुत किया। कहने का तात्पर्य है कि कलाकार अपनी मौलिक, स्वतंत्र व अमूर्त भावनाओं की प्रस्तुति के लिए भी कहीं लोक प्रतीकों व अभिप्रायों पर आश्रित हो रहे थे कि वह अभिप्राय उनके कथा वस्तु को, उनके कंटेंट को बताने में प्रबल हों। धार्मिक विषय वस्तु, राजा की आज्ञाओं से अलग मौलिक स्वतंत्र चिंतन आधुनिक शैली का प्रेरक तत्व था। अंतराल के पश्चात इन्हीं कुछ प्रेरक तत्वों पर चर्चा होगी, जिसमें हुसैन, पिकासो व अन्य चित्रकारों के चित्रों पर लोक प्रभावों को इंगित किया जाएगा। अंतराल के पश्चात आपका स्वागत है। कला चेतना वह है जो अपने समय में बनती हुई रूढ़ियों के पीछे छुपी हुई गतिशील परिवर्तनों को महसूस कर सके। कुछ परंपराएं बनती हैं, किंतु जीवन गतिशील है, परिवर्तनशील है, निरंतरता है, तो उसी प्रवाह में कुछ नए भाव, नई संवेदनाएं, नए विचार जन्म लेते हैं। एक धारणा सदैव से प्रस्तुत होती रही है, कुलशील की धारणा, जिसमें कलाकार या संस्कृति परंपरा की पोषक होती है, किंतु नए परंपरा या नए तत्वों को उसमें शामिल करने से नहीं चूकती है। यही कुलशील की धारणा उस परंपरागत आदर्श को तोड़ने की क्षमता रखती है, स्वतंत्र अस्तित्व की क्षमता रखती है। प्रस्तुत चित्र हैबर का है। थ्रैशिंग नाम का यह चित्र ग्राम्य जीवन को दर्शाता है। विश्व की सभी कलाओं में सिर्फ ग्राम्य जीवन का चित्रण ही लोक चित्रण से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि लोक संस्कृति के कुछ नियामक तत्व, अभिप्राय शामिल होना कला का विषय है, जिसमें लोक कला का प्रभाव देखा जा सकता है। ग्रामीण जीवन को बनाना, उसी यथार्थ को प्रस्तुत करना है जो दृश्यानुभूति से उत्पन्न होता है। मधुबनी से प्रेरित होकर अनेक कलाकारों ने चित्रों की रचना की, रूपाकार लिए। परंपरागत आदर्शों, परंपरागत रूढ़ियों के साथ आधुनिक कला के तत्वों का समावेश चित्रों की विशेषता रही है। प्रस्तुत गायक का आकार मधुबनी के आकारों से ही प्रेरित है, जहां मधुबनी के कलाकार अपने हृदय व सामने दिख रहे बिंबों के द्वारा किसी भी रूपाकार को सृजित करते हैं, तो आधुनिक कलाकार उन्हीं रूपाकारों को मानस चेतना व मस्तिष्क या बुद्धि तत्व के साथ अपने कला में शामिल करते हैं। अर्थात अपनी अभिव्यंजना के लिए जिन तत्वों की, जिन अभिप्रायों की, जिन प्रतीकों की आवश्यकता महसूस की जाती रही है, वह तत्व कला में शामिल होते रहे हैं। इसी तरह लोक शैलियों पर नए नए रूपाकारों की खोज या परंपरागत आकारों को आधुनिक शैली के साथ जोड़कर नए आकारों का प्रयोजन, यह बताता है कि कहीं हम उसी परंपरा को, अपनी जड़ों को
जोड़ना चाहते हैं, उससे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आधुनिक युग में भागम भाग की जिंदगी, बेचैनी, संघर्ष और अनेक ऐसी खामियां हो गई हैं जो हमें आह्लाद नहीं करती, ना प्रसन्न करती हैं, ना आनंद देने वाली होती हैं, जबकि अपनी जड़ों से जुड़कर वही खामियां हटी भी महसूस होती हैं, भले ही उसका प्रभाव बहुत कम समय के लिए हो, किंतु इन सब का प्रभाव या देशज परंपरा का प्रभाव संस्कृति पर निरंतर विकसित हो रहा है, किंतु संस्कृति उससे विकसित न होकर उससे पृथक एक अन्य दौड़ में भाग रही है। अनेक चित्र मधुबनी शैली से प्रभावित होकर ज्यामितीय गुणों के साथ प्रस्तुत होते रहे, जिसमें ज्यामितीय आकारों व सपाट रंग योजनाओं ने कलाकार की अभिव्यक्ति को सशक्ति व अभिव्यंजना प्रदान की है। कथानक और रूपाकार भारतीय या देशज होने पर कलाकार की सौंदर्य भावना या उसका मौलिक अस्तित्व प्रकट नहीं होता, यह कहना मुश्किल है, क्योंकि लोक शैली का अनुकरण करने पर भी रेखा में वह गति, वह ऊर्जा प्रस्तुत होनी आवश्यक है जिस जो कलाकार उस लोक शैली में महसूस करता था, वही महसूस करके वही ऊर्जा, वही ऊष्मा, वही आह्लाद अपनी शैली में प्रस्तुत करना कलाकार का ध्येय है। इसलिए यहाँ रिपीटेशन नहीं है, बल्कि उस ऊष्मा को महसूस करके उसी ऊष्मा का प्रस्तुतिकरण है। प्रस्तुत चित्र वर्ली शैली में बने रूपाकारों व रेखीय गति को दर्शाता है, जिसमें मध्य में देवी को बनाया जाता है और चारों तरफ उसके लैंडस्केप या वृक्षों को बनाया जाता है। इसकी तुलना इस रेखीय शैली से करने पर यह अवश्य ही ज्ञात होता है कि वह रेखीय गति जो इन मूल चित्रों में है, वह गति महसूस करना, प्रकट करना आधुनिक कलाकार के लिए एक ध्येय हो सकता है। रेखीय गति, रेखीय विन्यास, स्पेस का इस तरह प्रस्तुतिकरण व एक दृष्टि बिंदु व अनेक रूपाकारों के मध्य एक व्यवस्था, आकारों को केंद्रीय तत्व बनाने के लिए या सेंटर पॉइंट बनाना भी उस कला में मौजूद था जो आज एक आधुनिक कलाकार अपनी कृतियों में अनेक संभावनाओं, अनेक प्रयोगों के बाद प्रस्तुत करता है। ये चित्र रेखीय गति व आकारों के विस्तारण में अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हैं, किंतु इनकी अभिव्यक्ति एक महत्वाकांक्षा या कला तत्व के अन्वेषण के रूप में न होकर उनकी अनुष्ठानपरक कार्यकलापों में प्रकट होती है। सांझी से प्रेरित यह चित्र उन प्रयोगों को बताता है कि वह लोक शैली किस तरह आधुनिक कलाकार को प्रभावित कर रहे हैं, आधुनिक कला में ये रूपाकार स्थान पा रहे हैं और कलाकार उन्हीं तत्वों से प्रभावित हो रहा है जो उनकी जड़ों से जुड़े हैं। एक अन्य समीक्षक के अनुसार कला वह है जो अपनी मूलभूत देशज परंपरा का परिचय कराए। प्रस्तुत चित्र पीटी रेड्डी के हैं, जिसमें तांत्रिक अभिप्रायों के साथ कुछ लोक शैली के तत्वों का भी प्रयोग किया गया है। ये चित्र दिखाने का उद्देश्य यह है कि किस तरह आधुनिक कलाकार रूपाकारों की व अभिव्यंजना की खोज में किन्हीं आकारों से प्रभावित होकर अपनी अभिव्यंजना में प्रस्तुति देते हैं। कॉस्मिक ऊर्जा या ब्रह्मांडीय ऊर्जा नामक शीर्षक से यह चित्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें रूपाकारों में समतल प्रभाव व ओवरलैपिंग की प्रवृत्ति जो पूर्ववर्ती लोक शैली में भी प्रचलित होती थी, रेखा व रूप दोनों की अतिच्छादित तल इस कृति में प्राण डालते हैं और वह कॉस्मिक ऊर्जा का प्रतीकात्मक अंकन कलाकार का ध्येय बन जाता है। वह इस तरह के विषयों पर जब कलाकार कार्य कर रहे थे, तब ये रूपाकार, ये अभिव्यक्तियाँ उन्हें सदैव प्रभावित करती रहीं और सदियों से पोषित यह
अभिप्राय उन्हीं भावों की प्रस्तुति थी, उन्हीं विचारों की प्रस्तुति थी जो सर्वमान्य होने के साथ साथ अपनी अभिव्यक्ति में सदैव ठोस रहे हैं। प्रस्तुत चित्र नायडू के हैं जिसमें उन्होंने महाभारत में विराट पर्व से प्रेरणा लेकर ये चित्र बनाया है। उनका कहना यह था कि यह विषयों का अंकन व आकारों का अंकन मैं अपने ही मौलिक अभिव्यक्ति को पोषित करने के लिए प्रस्तुत करता हूँ। मुझे लगता है कि इन विचारों इन आकारों को प्रस्तुत करने पर मेरा पर्सनल एक्सप्रेशन भी डेवलप होगा और उस अभिव्यक्ति में अधिक प्राण चेतनता या फ्लक्स की एक धारणा सदैव से कलाओं का नियामक तत्व रही है, उस फ्लक्स की धारणा को अभिव्यक्त करके इन रेखीय रूपों प्रवाही रेखाओं के साथ आकारों का सौष्ठव प्रस्तुत किया जा सकता है। कंट्यूर लाइन्स के द्वारा ये रेखांकन किया जाता रहा और नायडू की कला एक विशिष्ट शैली में लिपिबद्ध होती रही। यह भी महाभारत सीरीज का उनका चित्र है जिसमें लिपि भी लिखी गई है और रिदमिक सुंदर प्रभावशाली रेखाओं के द्वारा चित्र को बनाया गया है जिसमें सारे ही आकार अपनी रेखीय ऊर्जा ऊष्मा और ठोसपन के कारण सारे चित्र को प्रवाही बना रहे हैं और अभिव्यक्ति में रिदमिक बना रहे हैं। वर्ली कला से प्रेरित कुछ प्रयोग आधुनिक कलाकारों ने किए जिनमें किसी कथानक को उस रूपाकार में बांधने की चेष्टा की जाती रही और कथानक को सरलीकृत व ज्यामितीय रूपों में सुंदर रूप में प्रस्तुत किया गया। अनेक कथानकों को इसी ज्यामितीय रूप योजना का सहारा लेकर अभिव्यक्त किया गया और कला में ज्यामितीय तत्वों को धरातल पर व्यवस्थित करके नए प्रयोग किए गए जिनमें वृत्त आयत वर्ग का संयोजन एक नए रूप में प्रस्तुत हुआ जो नया प्रयोग भी था और प्राचीन कला के साथ में जुड़ाव भी। अनेक कलाकार आज भी इस लोकधर्मी या देशज परंपरा से प्रेरित होकर अपनी कलाओं को विकसित कर रहे हैं, रूपाकारों को विकसित कर रहे हैं, कला चेतना को प्रस्तुत कर रहे हैं। वह कला चेतना जो आज स्वतंत्र है, मौलिक है और अनेक संभावनाओं के साथ जुड़ी है। प्रस्तुत चित्र अर्पणा कौर का है जिसमें मुख्य आकृतियों के साथ सहायक आकृतियों के रूप में लोक शैली के कुछ अभिप्राय बना दिए गए और यह भारतीय और लोक शैली का सुंदर संगम होने के साथ ही अर्पणा कौर की अभिव्यक्ति का सुंदर स्वरूप है जिसमें वह कला चेतना अपनी परिमार्जित रूप शैली के साथ में प्रस्तुत होती रही है। ज्यामितीय आकारों से संबंधित एक पूरा शास्त्र व नियम है जिसमें ज्यामितीय आकारों को प्रतीकात्मक रूप में सदैव व्यवस्थित किया गया। यंत्रों की भाषा, यंत्रों के आकार इन्हीं आधारभूत मूलभूत व्यवस्थाओं के द्वारा होते रहे जिसमें वर्ग का आकार पृथ्वी तत्व का, चंद्रमा का आकार जल तत्व का, त्रिकोण का आकार अग्नि तत्व का, बड़ा वृत्त वायु का और छोटा वृत्त आकाश का या शून्य का प्रतीक माना गया। प्रतीकों की भाषा कला की भाषा बनी और यही प्रतीक ज्यामितीय योजनाएं, मांडनों व अनेक लोक शैली के ज्यामितीय पैटर्न्स व अभिप्रायों के साथ जोड़कर अनेक अन्वेषण व शोध का विषय बने हैं जिसमें उन्हीं मांडनों अभिप्रायों लोक शैली के तत्वों को इस तरह तंत्र के साथ जोड़कर, मानसिक संवेदनाओं के साथ जोड़कर, सामाजिक स्थितियों के साथ जोड़कर अनेक प्रयोग व शोध किए जा रहे हैं। हुसैन एक ऐसा नाम है जिन्होंने भारतीय लोक शैली को इस तरह प्रस्तुत किया कि वह लोक शैली उनके फोटोग्राफी व अन्य शैलियों के मिश्रण के साथ बोल्ड रेखाओं व बोल्ड ब्रश स्ट्रोक्स के साथ में एक ऐसी शैली बन गई जो अपनी अभिव्यक्ति में पूर्ण रूप से भावनाओं, रूप योजनाओं व सौंदर्य की दृष्टि से परिपूर्ण थी। हुसैन के यह सभी चित्र उस परिमार्जित शैली को बताते हैं जिसके मूल में भारतीय लोक कलाएँ रही हैं।
ये सभी चित्र सपाट रंग योजनाओं, व्यवस्थाओं, द्वियायामी तल पर आकारों का विन्यास, यह सभी तत्व उनकी कला को भारतीय बनाने के साथ ही अभिव्यक्ति में श्रेष्ठ बनाते हैं। पिकासो की कला भी अफ्रीकी नीग्रो कला से प्रेरित रही। यह उदाहरण उन तत्वों को बताते हैं कि किस तरह प्रयोगधर्मी कलाकार नए अन्वेषणों को करते हुए पुराने रूप विन्यास से किस तरह प्रेरणा लेकर अपनी ऊर्जा, अपनी कलात्मक चेतना को प्रस्तुत करते रहे हैं। ये महान कलाकार अपनी जड़ों से जुड़े रहकर अपनी अभिव्यक्ति को मौलिक स्वरूप में प्रस्तुत करके स्वतंत्र अभिव्यक्ति करते रहे और लोक शैली उस मूल में वह कार्य करती रही जो किसी भी कला का जैविक भंडार रही। वह जैविक भंडार जिसने अनेक प्रयोगों को, अनेक प्रतीकों को, अनेक संवेदनाओं को मौलिक रूप से, सुंदर रूप से और प्रभावशाली रूप से अभिव्यंजित किया।